हेलो फ्रेंड, जागीती किचन में आप लोग का वेलकम है। राधे राधे, आप लोग कैसे हैं? चलिए, आज मैं हरी मिर्च की अचार बनाने जा रही हूँ। ये मैंने लिया है 250 ग्राम मिर्चा, जो अभी सर्दी का मौसम आ गया है, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और किचन टॉवल से इसे पोंछ लिया है। एक भी पानी का ये दाना नहीं है, और जो भी बर्तन आपको लेना है उसमें एक भी पानी ना हो, सारे अच्छे से सूखे हों। चलिए, इसका अब डंटा निकाल लेते हैं। ये देखिए, सारे डंटे ऐसे निकाल लेना है, और यहाँ बिल्कुल पानी ना होना चाहिए। अगर पानी होगा तो आपका अचार टिकेगा नहीं, वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, और बहुत ही चटपटा अचार बनता है। इसे आप एक साल भी यूज कर सकते हैं और 4 महीना में भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरीका के मैं आपको बताऊंगी कैसे कीजिएगा कि आपका ये टिकेगा। ये देखिए, सारे डंटी निकल गए हैं। अब इसे छोटे छोटे पीस में कट करेंगे। अगर आपको जैसा पीस करना है आप वैसे कर सकते हैं। इसे आप जलनी में भी ले जा सकते हैं, अगर लंबा जलनी हो तो आप इसे भी ले जा सकते हैं अपने खाने में। और ये छोला भटूरा या राइस किसी चीज के साथ भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको बिल्कुल ऐसे काटना है तो आप ऐसे कट कीजिए, अगर लंबा वाला कट करना है तो लंबा कीजिए। जैसे आपको जो सुविधा हो आप वैसे कट कर सकते हैं। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, और वीडियो तक बने रहिए। ये बस 15 मिनट में आपका ये रेडी हो जाएगा। ये सारे भी ये कट होती है, सारे मिर्ची कट हो गए हैं। अभी तुम्हें का जितना भी बिया है उसे आप एक चलनी की मदद से आप इसे निकाल सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ एक ली हूँ टोकरी सब्जी का, इससे मैं देखिए ये सारे बिये आपको निकालने होंगे। जितना निकल सकता है निकाल लीजिए। आप चाहे तो इस मिर्ची को सब्जी में भी यूज कर सकते हैं। चलिए, इसे अब एक बाउल में पलट लेते हैं। अब मसाले की तरफ चलते हैं। ये मैंने मसाले कुछ लिए हैं, ये 25 ग्राम मैंने पीली सरसों लिया है। काली सरसों आपको यहाँ नहीं लेना है, पीली सरसों ही लेना है। ये मैंने 25 ग्राम सौंफ लिया है। ये देखिए, ये आधी स्पून मैंने एक मंगरेला लिया है जिसे कलौंजी भी बोलते हैं। ये आधी चम्मच मैंने लिया है, मैंने मेथी लिया है। चलिए, इसे थोड़ा हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। ये मैंने एक पैन लिया है, ज़्यादा नहीं करना है आपको, बस 2 मिनट के लिए ही करना है लो फ्लेम पर। इसे तो आप हीट होने देते हैं। चलिए, पहले सौंफ डालते हैं, इसे हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। बस 2 मिनट के लिए ही आपको करना है, ज़्यादा नहीं करना है। थोड़ा खुशबू आने लगे तब तक। अब इसमें मेथी भी डाल लेते हैं। ये देखिए, इन दोनों को एक साथ भून लेते हैं, हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। अब वीडियो कैसा लगे आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए, ये हो गया है, अब इसे निकालेंगे। अब पीली सरसों को भी थोड़ा भून लेंगे, हल्का रोस्ट कर लेंगे। ये बहुत ही खाने में बहुत अच्छा लगता है, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब वीडियो संग अंत तक बने रहिए। चलिए, इसे भी ऑफ करते हैं। अब इसे भी एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब मंगरेला को भी रोस्ट कर लेते हैं, नम बिल्कुल हल्का करना है। ये सब सारे मसाले को ठंडा कर आपको पीसना होगा। चलिए, इसे भी निकाल लेते हैं।
अब 5 मिनट के लिए इसे ठंडा होने देते हैं। उसके बाद मिक्सी डाल में इसको दलदला हल्का दलदला पीसना है आपको, ज़्यादा मोटा नहीं, हल्का ही दलदला रखना है आपको। तब तक मसाला ठंडा होता है तब तक हम तेल गर्म कर लेते हैं। सौ ग्राम के आसपास हम तेल डालेंगे। ये देखिए सरसों का तेल डालना है, इसके अलावा और कोई तेल नहीं आपको डालना है। धुआं उठने तक सरसों का तेल को हमको पकाना होगा ताकि इसका जो भी कड़वापन हो, कच्चापन हो, वो सारा निकल जाए और अचार को अच्छी तरह से ये लंबी समय तक टिकाए रखें। ये देखिए इसमें धुआं उठने लगा है, इसका मतलब तेल गर्म हो गया है। इसे ऑफ कर देंगे, इसे ठंडा होने देंगे। बिल्कुल ठंडा नहीं करना, हल्का सा गर्म है तब मसाला में डालना है, मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए मैंने सारे मसाले को दरदरा पीस लिया है। चलिए अब मसाले में इधर डाल देते हैं मिर्ची में, इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर लगा है देखने में। अब इसमें तेल डालेंगे ताकि सारे मसाले को पीस ले। इसमें कुछ मसाले जाएंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च दिया है कलर आने के लिए। इसमें 4 चम्मच नमक जाएंगे क्योंकि इसमें थोड़ा नमक ज़्यादा ही रहता है। मैंने 1 चम्मच डाला, ये 2 चम्मच, 3 ही चम्मच देंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। अगर नमक कम लगे तो आप ऊपर से भी डाल लीजिए। ये 1/2-4 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। ये 1 चम्मच ब्लैक नमक डालेंगे, काला नमक। अब इसमें गरम मसाला डाल नहीं, पहले मिक्स करेंगे सबको। ये देखिए अब इसमें तेल डालेंगे। ये 100 ग्राम के आसपास मैंने तेल डाला है, इसे अच्छे से मिक्स करना है आपको। ये देखिए मेरा तेल कुछ ज़्यादा हो गया है। अगर जितना अगर मिर्चाई को लंबा समय से रखना है आपको तो इसमें तेल को डुबो कर रखना पड़ेगा। अगर आपको 1 साल तक रखना है तो मिर्ची के ऊपर आपको तेल रखना होगा। ऐसे अगर नहीं रखना है तो 6 महीना या 4 महीना आपको खाना है तो आप कम दे सकते हैं, 100 ग्राम से भी कम दे सकते हैं। चलिए इसे आप एक बर्नी में डालते हैं और जो भी बर्तन लीजिएगा उसमें बिल्कुल पानी का एक भी रघेल ना होना चाहिए। अगर ये अगर मिर्ची का लाइफ टाइम बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें आप नींबू का रस डाल दीजिए, 2 नींबू का रस, अनदर 2 चम्मच विनेगर डाल दीजिए। ये देखिए मैंने विनेगर लिया है, मैं इसे 2 चम्मच डालूँगी, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसे आप साल भर तक रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बस आपको ध्यान रखना हो कि पानी के हाथ ना लगे, अगर जब भी आप अचार निकालें वो भी चम्मच पानी का ना हो। चलिए अब इसे एक बर्नी में डालते हैं। ये देखिए मिर्चाई बनकर अचार बनकर रेडी हो गया, बहुत चटपटा है। मैंने इसका टेस्ट भी किया है, बहुत अच्छा है। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।